बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरीज ऑन हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी, हमें सबसे पहले तो ये पता होना ही चाहिए कि कुंडली में कितने घर होते हैं। तो इट इज़ लाइक ए 12th हाउसेस, 12th खाने होते हैं, और सभी घर का अपना अपना एक महत्व होता है, यानी कि सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो आज हम पहले घर के बारे में जानेंगे और इसी तरीके से हम टोटल 12 हाउस तक कवर करेंगे, और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम आगे चल के अगर कोई भी फलादेश करना चाहेंगे या प्रिडिक्शन देंगे या रेमेडी कुछ करेंगे तो हमें हाउसेस की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले घर के बारे में जानते हैं। क्योंकि आपका ये जो फर्स्ट हाउस है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम एसेंडेंट भी कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाओगे तो यहाँ आपको ASC यानी कि एसेंडेंट यानी कि लगन, जो आपका खुद के बारे में बताता है, फर्स्ट हाउस है आपका। बात करें डायरेक्शन का तो ये स्काई का ईस्ट डायरेक्शन है, जहाँ से सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, इसलिए इसे राइजिंग सन या राइजिंग हाउस भी कहते हैं फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस आपके पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती है, वो पर्सनैलिटी जो दुनिया आपको एज अ परसीव करेगी एज अ पर्सन। फर्स्ट हाउस ये बताती है कि आपका ओवरऑल बॉडी कैसा रहेगा, बेसिकली आपका ह्यूमन हेड यानी कि सर का जो ऊपर का पार्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट पार्ट में आपका हेड और जो भी गले के ऊपर की जो भी हिस्सा है वो आपका आप फर्स्ट हाउस से ही दिखते हो। इसके साथ है ये बताता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कैसा रहा, कहाँ पर रहा, किस एरिया में रहा, और आपका लाइफ पर्पस बेसिकली आपके लाइफ का उद्देश्य कि आप धरती पर आए क्यों हो, तो ये आपका फर्स्ट हाउस से ही पता चलता है। इसके साथ ही आपका फर्स्ट हाउस ये बताता है कि आपका लाइफ पाथ क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपका ओवरऑल हेल्थ को अगर जानना है तो फर्स्ट हाउस को पढ़ना पड़ेगा, आपका लाइफ कैसा जाएगा ओवरऑल ये भी आपका फर्स्ट हाउस ही बताता है। और सभी घर का अपना एक कारकत्व होता है यानी कि सिग्निफिकेशंस होता है। तो फर्स्ट हाउस का जो रूलर है, फर्स्ट हाउस का जो नैसर्गिक जो कारकत्व है वो सन को बताया गया, यानी कि सन जो है वो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है, क्योंकि सन जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सन क्योंकि ऊर्जा का कारक है और पहला हाउस आपका हेल्थ है, आप खुद हो, तो सन अगर आपको फर्स्ट हाउस को रीड करना है, अच्छे से जानना है, तो आपको सन की प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में देखनी पड़ेगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और हम एक प्लेनेट से पूरा ओवरऑल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 12th हाउस है, 9 साइंस है, राशियां हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, इसके साथ ही 27 नक्षत्र हैं और उसमें भी सबके चार चार पद्स हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस इस तरीके से करके ही हम कोई भी कंक्लूजन पर आते हैं, ये सिर्फ हम राशि देख के प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और एटलीस्ट कुछ मंथ तो आपको देने पड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तब जाके आप अच्छे से मतलब बता पाओगे।